नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, देखिए मेरे पास एक कूलर है अपेक्स कंपनी का। ये दोस्तों आप देख रहे हैं इसका जो शटर है, देखिए। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे भाई ये कूलर खरीदते हैं, बस दो चार छः महीने के अंदर, यानी साल भर के अंदर ये शटर है, सबकी शटर की हालत होती है। और फिर अक्सर लोग मेरे पास आते रहते हैं, कैसेट ये जो हमारा शटर बार बार ऊपर चले जा रहा है, क्या करूँ, अब क्या बताएं इनको। दोस्तों मैं सोचा कि जो प्रॉब्लम लोगों के पास होती है, हमेशा लोग परेशान होते हैं, तो मेरे पास एक तरीका है, मैं तरीका बता देता हूँ। इस तरीके दोस्तों आपको जो शटर की बीमारी है ये हमेशा में से ही सॉल्व हो जाएगा, और इस तरीके से आप किसी भी कूलर का शटर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एकदम सरल तरीका है और बेहद बहुत कम खर्चे में काम हो जाएगा। ऐसा समझिए कि आप खर्चा ही नहीं लगेगा, बिना खर्चे काम हो जा सकता है। दोस्तों वीडियो को शुरू से देखिए, अगर आपको जानने का है कि ये तरीका कौन सा है। दोस्तों देखिए, उसके लिए मैं पेपर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। दोस्तों उसके लिए हमारी पत्ती कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पत्ती है। दोस्तों मैं पेपर काट लेता हूँ। दोस्तों पेपर काटूंगा मैं इसमें 27। दोस्तों मैं 27 पेपर काट लेता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, हमने पेपर कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस तरह का नोज पकड़ चाहिए। दोस्तों नोज पकड़ा आपको कम से कम दो होना चाहिए, एक में कमरा हो नहीं पाता, दो चाहिए। दो क्यों चाहिए, ये आपकी पट्टी है, इससे पट्टी को निकालना पड़े आपको। मैं सभी पट्टी को एक साथ निकाल लेता हूँ। दोस्तों पट्टी निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि आपका पट्टी पूरा अंदर ना घुस जाए, फिर आपको बहुत अड़चन होगी निकाल डालने में। फिर दोस्तों क्या करता हूँ मैं, देखिए इस तरह से पेपर डाल दूंगा इसके अंदर। दोस्तों आराम से काम करना है, ये जल्दीबाजी वाला काम नहीं है आपको। दोस्तों कोई भी काम करना है जल्दीबाजी नहीं करना है, और जल्दीबाजी करने से क्या होता है, हमारा काम खराब हो जाता है। दोस्तों पहले मैं इस तरह से पेपर सब में डाल लेता हूँ। दोस्तों एक ही डालता रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ज़्यादा पट्टी तकलीफ देगा फिर अपने को। एक ही डाल के इसे बिठाते रहना पड़ेगा, उससे क्या होगा फिर आपको कोई अड़चन नहीं होगी। दोस्तों मैं एक डाल दिया है, अभी दूसरे में डाल देता हूँ। हाँ फिर आप बता दो, दोस्तों पेपर जैसा दिख रहा है आपको ऐसे नहीं रखना है इसको, उसका बता दूँ मैं क्या करने का है। आप वीडियो को शुरू से देखते जाइए ताकि आप पूरी तरह समझ पाएँ, और आपको जो शटर का प्रॉब्लम रहता है हमेशा का, ये हमेशा दूर हो जाएगा। दोस्तों बेहद कम खर्चे में, समझिए खर्चा ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप, इसमें बिना खर्चे काम हो रहा है। नोज पकड़ से इस पट्टी को ढकेल देना पीछे, ताकि इसमें जगह बन जाए। दोस्तों जल्दीबाजी ना करें, आराम से करें, क्योंकि पट्टी टूट भी सकता है आपका, तो अपने को पट्टी तोड़ने का नहीं है, बनाने का है, तो उसकी जल्दीबाजी ना करें। दोस्तों मैं किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दीबाजी वाला काम खराब हो जाता है। बस आप काम को ध्यान से करें, ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं मेरी दुकान में और आपका ध्यान कहीं और घूम रहा हो, ऐसा ना हो। बस आप जब काम कर रहे हो तो आपका ध्यान पूरी तरह दुकान के अंदर ही हो और आपके काम में ही हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान काम में है तो आपसे गलती भी नहीं होगी और आपसे काम भी अच्छा होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब काम करेंगे तो हमारा ध्यान कहीं और घूमते रहता है। दोस्तों ऐसा नहीं करना है अपने को, आपका ध्यान आपके काम पर होना चाहिए बस।
200 सारा डाल दूंगा पेपर सारे पे। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने ये पेपर को इसे फंसा के डाल दिया है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इस पेपर को ऐसे कट कर ले। दोस्तों में एक चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे सुला दें, इसे फिर किसे चिपका दें, पहले चिपका के फिर काट दें। दोस्तों में चिपका तो फिर काटता हूँ उसको। हाँ दोस्तों देखिए फिर की गई है, हाँ फिर किसे को चिपका दें। दोस्तों चिपकाना है अपने को तो ऐसा नहीं कि दो चार फिर लगेगा, इसमें एक में काम हो जाना चाहिए और बच भी जाना चाहिए। दोस्तों को पेपर पर डालना है, डालना हल्का लगा देना बस, ये खुद ब खुद चिपक जाएगा। ऐसा लगा के छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए, ऐसे निकलेगा तो नहीं, खुद ब खुद लॉक हो चुका है ये। फिर भी आपको लगा दें तो क्या होगा, ये पूरी तरह सेफ हो जाएगा और पेपर कभी निकल नहीं सकता, इसके आपको लगा देना है इसके ऊपर। दोस्तों ये सब तरीके जो है हमारे, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं। इस तरीके से लेकिन सोचता नहीं हूँ जल्दी कि ऐसा भी करें, लेकिन हमने कहा दोस्तों हमारी आदत है, मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ और अपने काम को बेहतर बनाने का हमेशा तरीका ढूंढते रहता हूँ मैं कि काम कैसे किया जाए जिससे कि काम अच्छा हो और ग्राहक के लिए एकदम। इसके दोस्तों क्या होता है, हमारे पास लोग विश्वास के साथ में आते हैं कि भाई साहब जाएंगे तो काम होना ही है। लोग बड़े विश्वास के साथ में आते हैं, उनका काम होता भी है, ऐसा नहीं कि खाली आते हैं वो। तो सूख जाएगा फिर उसको कटिंग कर दूँगा मैं, तो छोटा टाइम रुक जाता हूँ इसमें अंदर। दोस्तों सूख गया इसको कटिंग करता हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमने एक सिर्फ एक ही लगाया बीच में ही, अगर आप चाहें तो हम जा सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारा ये हो गया है ढीला और टाइट हो चुका है ये, देखिए पहले अपने आप ऊपर जा रहा है ये, ऊपर नहीं जाएगा ये, जहाँ पर रुके वहाँ रुकेगा ये। इस तरह से कभी आपका ये शटर बार बार ऊपर चला जा रहा हो तो इसे सीधा कर सकते हैं। अक्सर देखता हूँ मैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते रहते हैं मेरे को, अक्सर लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि भाई कैसे है ये, बार बार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जा रहा है। शटर एकदम सही चुका है, इस तरह से आप भी अगर आपका शटर थोड़ा ढीला हो तो ऐसे लगा दें। अगर आप लगता है बहुत ज़्यादा ढीला है आपको इसको लगाने बाद में नहीं हो रहा सही, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों ऐसे हमारा एक में ही काम हो चुका है, इस तरह से अपना शटर ठीक करें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि मैं डालूँ वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।